गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज जहाँ पे मेरा जाने का प्लान है वो है कांसाई नदी का बगल में एक जगह में, बहुत इस टाइम में मतलब ये ऑटम सीजन में बहुत वहाँ पे काश फूल खिलता है। तो एक्चुअली एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है वो हमको पता नहीं है, तो सोशल मीडिया से हमको पता चला, तो हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के जाएंगे। तो निकलते हैं, लेट्स गो। ओके, अभी तो खड़गपुर चोरुंगी क्रॉस करके हम अभी टूवर्ड्स कलकत्ता की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमको जो सोशल नेटवर्किंग साइट से जो पता चला, एक जन पोस्ट किए थे कुछ कंसावती रिवर के बगल में बहुत एक जगह में बहुत कासफुल का एक इमेज, तो जगह का नाम था मुनीपगढ़। गूगल मैप से हम देख रहे थे ये मुनीपगढ़ मतलब कंसावती रिवर का साउथ साइड में, मतलब खड़गपुर साइड में। अगर नॉर्थ होता तो हमको कहाँ पे भी हमको रिवर क्रॉस करना पड़ता था, तो वो मतलब वही हमको हम एज्यूम करके हम जा रहे हैं अभी। तो हमको अभी तो सामने आएगा रूपनारायणपुर, तो रूपनारायणपुर के बाद हमको किसी लोकल को पूछना पड़ेगा एग्जैक्ट कहाँ पे है वो लोग मुनीपगढ़ लोकेशन। तो ऐसे तो आजू बाजू में जो डायस आजू बाजू में आपको बहुत सारी कासफुल दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली हमको नदी का किनारे में ही हमको बहुत जो कासफुल का जो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या बोलेंगे कासफुल का जो चित्र। सच में खड़गपुर में है, खड़गपुर का इस पास में मतलब जो मिन्नापुर साइड में आउटर में रास्ते का आजू बाजू में कितना कासफुल। कासफुल कासफुल देखो हमी हाँ कंसावती पहाड़े पूजे प्रचुर हो কোথায় সেটা পাবো? এই রাস্তায়। এই রাস্তায় এখানেই পাবো না মুনিপগড়ে পাবো? বেশি কোথায় পাবো? বেশি দেখতে কোথায় পাবো? বেশি এটাই নদীর পাড়ে একদমে। কতটা যেতে হবে? এটা তোমাকে যেতে হবে হাফ কিলোমিটার, মানে তোমাকে এখান থেকে একটা লিলিপান পড়বে। কি পড়বে? এমনি একটা পিজবান পড়বে। পিজবান থেকে নেমে যেতে হবে। নেমে যেতে হবে, নেমে যে ডান দিয়ে ভেঙে যেতে হবে। সেখানে লোককে জিজ্ঞেস করবো আমি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। तो मुनीपगढ़ हमको जाना नहीं पड़ेगा, हमको लग रहा है यहाँ पे नज़दीक में ही हमको शायद एक जगह में बहुत जहाँ पे शायद कासफुल दिखाई दे सकता है। फाइनली हम एक रास्ते में घुस के आए, मतलब ये मुनीपगढ़ हमको जाना नहीं पड़ा, उसका आगे कृष्णनगर बोल के एक जगह है।
खड़गपुर सिटी से हम कैसे मेरा जो आज का जो हम डेस्टिनेशन में हम कैसे पहुँचे वो आप लोग को हम मैप में दिखा रहे हैं। एक्चुअली जो ये है खड़गपुर, खड़गपुर ये है चोरंगी, चोरंगी से हम एन एस सिक्सटीन में हम कुछ तो जाने के बाद कृष्णनगर बोल के जाएगा या तो वहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले लिए, लेके सीधा हम चला गए कंसावती रिवर के बगल में। एक्चुअली जहाँ पे हम पहुँचे ये जो जाएगा मतलब जो लोकेशन है इसका नाम है पटपाछा। तो खड़गपुर चोरंगी से मतलब ये जो मेरा जो आज का डेस्टिनेशन था इसका टोटल डिस्टेंस था ओनली 7 किलोमीटर्स। वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरा जो कैमरे का जो माइक्रोफोन था वो अचानक काम करना बंद कर दिया। तो बाद में हम वॉइस ओवर दे के कोशिश किए हैं थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, मगर वहाँ पे पहुँचने के बाद हम जो वहाँ पे जो दृश्य था वो सच में अद्भुत था। कंसावती रिवर का पानी और उसका बगल में जो काशफूल का जो खेलना, मतलब ये एक दृश्य था सच में एक अद्भुत एक मनोरम दृश्य था। ऐसे तो 2020 कोविड 19 के कारण में ऐसे सब घटना घट रहा है हम लोग का साथ जो हम लोग मतलब आज तक हम लोग कभी नहीं हम लोग सोचे थे। यहाँ पे आने के बाद तो मन के अंदर जितना मतलब कोविड 19 के कारण में जितना नेगेटिव थिंकिंग जितना चल रहा है, सच में ये इतना काशफूल खेलने दिखना और आपका ऐसे नीला नीला आसमान, ऐसे कंसावती रिवर का पानी, ये सब देखने के बाद सच में मन के अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद मेरा मन के अंदर में बहुत हम खुशी महसूस किए थे। तो वो मतलब आप लोग को हम मेरा शायद मेरा मुस्कुराने चेहरा देख के शायद आप लोग को पता लग रहा है। तो काशफूल खेलने का साथ एक दुर्गा पूजा का संबंध है। तो मतलब कहावत है मतलब काशफूल खेल रहा है मतलब दुर्गा पूजा का टाइम आ गया है। तो ये हम सोच रहे हैं मोहल्ला के दिन ही हम आप लोग को साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ नहीं, अभी तो निकलने का टाइम हो गया। कंसावती नदी का किनारा में जो मेरा जो ये काशफूल का साथ में जो मेरा जो कुछ टाइम जो हम बिताए यहाँ पे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज गिव ए बिग थम्स अप एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं नया कोई जगह में और नया कोई वीडियो में, तब तक मेरा साथ बने रहिए। बाय बाय।